गोपाल जी आप समापन। मंच पर विराजमान श्रीमान बजाज जी, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी और यहाँ सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, बहनों, बजाज साहब ने और उनके साथी ने मिलकर के जो मोटा ग्रंथ लिखा है वो अपने आप में एक विशिष्टता रखता है। गांधी जी के ऊपर अब तक हजारों पुस्तकें आ गई हैं और गांधी जी का सारा जीवन भी ऐसा है जिस पर कितना भी साहित्य आएगा तो कम ही लगेगा। और जिस व्यक्ति की जितनी आलोचना होती है समझिए उसका महत्व भी उतना ही अधिक होता है। जब महत्व कम हो जाता है तो आलोचना अपने आप कम हो जाती है और इसलिए गांधी जी के बारे में आलोचना होना है स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब एक व्यक्तित्व बढ़ता है तो अपने अपने नजरिए से लोग देखने का प्रयत्न करते हैं। अपना नजरिया नहीं मिलता तो कहीं कहीं उनको निराशा होती है, फिर बोलना प्रारंभ करते हैं। भारत जैसे इतने विविधता वाले देश में और उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में गांधी जी हैं, आलोचना और प्रत्यालोचना होना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता है बादल छटते हैं, स्पष्टता और अधिक होती है और फिर व्यक्ति का मूल्यांकन कुछ सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। स्पष्टता के साथ व्यक्तित्व सामने दिखलाई देता है। श्रीमान जितेंद्र बजाज जी ने जो पूरा ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने पर्याप्त खोज भी की है, परिश्रम भी किया है और इसके लिए वे और प्रकाशक बंधु सभी बधाई के पात्र है। गांधी जी जिस आधार भूमि पर सारे देश के सामने प्रकट होते हैं वह हिंदुत्व है, यह इस पुस्तक की एक मौलिक भूमिका है। गांधी जी कहते भी है कि हिंदुत्व तो क्या है, तो सत्य की एक निरंतर खोज है। हिंदुत्व तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको एक सीमा में या परिभाषा में बांध दिया जाए, कोई सीमित बात परिभाषाओं में बांधी जाती है। जब सीमाबद्ध कोई चीज हो जाती है तो सचमुच वो वस्तु या वो बात सीमित और मर्यादित ही हो जाती है। हिंदुत्व एक मर्यादित चीज नहीं है, हर युग में हर काल में उसकी परिभाषा उसकी व्याख्या उस युग के अनुसार उन परिस्थितियों में ही होती है और इसलिए हर युग में हिंदुत्व को लेकर जो लोग खड़े होते हैं वो युगानुकूल हिंदुत्व की परिभाषा करते हैं और युगानुकूल मार्ग समाज को दिखलाते हैं। लेकिन कुछ मौलिक मुद्दे जरूर ऐसे हैं जो हमेशा वहां बने रहते हैं। गांधी जी का जो परिवार है वो एक वैष्णव और धार्मिक परिवार है। उस परिवार में बचपन से वे कहानियां सुनते हैं, भगवान राम के बारे में, हरिश्चंद्र के बारे में, प्रहलाद के बारे में, भागवत की कहानियां। लेकिन सारी जो हिंदू धर्म या हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंग हैं वे कहीं न कहीं जीवन के अंदर शुचिता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा, प्रेम, करुणा, ये सारे सद्गुणों की जो वृद्धि करते हैं वैसे ही सारे प्रसंग हिंदू धर्म ग्रंथों में सामान्यतया रहते हैं। गांधी जी बैरिस्टर बन जाते हैं और बैरिस्टर बनने के बाद वे अफ्रीका जाते हैं। हमारे पुस्तक का जो प्रारंभ है वो इसी प्रसंग से होता है, ये सारे उनके जीवन का लाइफ स्केच नहीं है। और जो गांधी जी
अफ्रीका जाते हैं एक विशेष मिशन में जाते हैं, एक कंपनी के कुछ काम के लिए जाते हैं। वहां जाकर के जो वहां देखते हैं, वहां जो प्रसंग है एक के बाद एक जो उनके सामने आता है, वो प्रसंग उनको एक बैरिस्टर के काम के अलावा कुछ और काम भी देता है। और देखते देखते गांधी जी जो बैरिस्टर का काम है वो तो करते ही होंगे, वहां कुछ और अन्य कार्य के लिए वो लोकप्रिय हो जाते हैं। वहां पर जो सबसे प्रमुख बात जो उनको मिलती है वो यह है कि वहां पर जो अंग्रेजों का शासन है वो भारतीय लोगों के साथ भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन भारी है। गांधी जी को बड़ा अजीब लगता है। यहां से उनका चिंतन प्रारंभ होता है। उनको लगता है ये ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज लोग हैं, अपने आप को सभ्य मानते हैं, हमको असभ्य और जंगली मानते हैं, और इनका व्यवहार कैसा है? ये जो अंग्रेजों का तथाकथित श्वेत लोगों का जो व्यवहार है, ये उनको जो दिखाई देता है, तो गांधी जी का चिंतन प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए जब कोर्ट में जाते हैं तो मजिस्ट्रेट कहता है हे ये क्या टर्बन पहन करके बाहर जाओ, गांधी जी नहीं जाते। जब बाहर नहीं जाते तो मार्शल को बुलाकर धक्का मार करके गांधी जी को बाहर कर दिया। अब गांधी जी बैरिस्टर है, केवल उनकी ड्रेस को लेकर के कोर्ट नाराज होता है। तो गांधी जी को लगता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बैरिस्टर हूं तो मैं जो यहां कोर्ट में बोलूंगा वो महत्व का है या मेरा कपड़ा महत्व का है? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क गांधी जी के मन में लग गया, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ मेरे साथ? दूसरी बार जब वे गाड़ी में से धक्का मार के उतार दिए जाते हैं तो फर्स्ट क्लास का टिकट है फिर भी क्यों उतारते आप मेरे को, एक क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला ट्रेन पकड़ते हैं उस ट्रेन में भी यही व्यवहार होता है, आप यहां बैठिए वहां जाइए वहां बैठिए। जब गांधी जी वहां नहीं जाते तो कान पकड़ करके गांधी जी को उस ट्रेन के ड्राइवर के बगल में बैठाते, फिर भी नहीं मानता है तो नीचे पायदान तो बैठा देते। गांधी जी के मन में फिर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, वेदर दीज पीपल आर सिविलाइज और नॉट। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग जो है अपने आप को सभ्य समझते हैं, ये सभ्य कहलाने के लायक है क्या? इतना इंटॉलरेंट क्यों है ये बिहेवियर इनका, इतना व्यवहार असहिष्णु क्यों है इनका? इन घटनाओं ने गांधी जी के मन में एक के बाद एक नए प्रश्न खड़े किए और इस दुर्व्यवहार का भेदभाव का अंत नहीं होता है। गांधी जी की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है लेकिन दुर्व्यवहार और भेदभाव का अंत नहीं होता। और जब वे आकर के डरबन में पानी के जहाज से उतरते हैं तब गांधी जी थोड़ा प्रसिद्धि पा गए। आश्चर्य की बात गांधी जी को लगती है उस जहाज से उतरते समय सैकड़ों लोग विरोध करने आ जाते हैं, यू गो बैक मार जाओ यहां डरबन में नहीं आना। बड़ी मुश्किल से वहां का पुलिस कमिश्नर की पत्नी वो बचा के लाती है, जहां ठहरे है वहां विरोध प्रदर्शन होता है, गांधी को चोट आती है। एक के बाद एक ऐसे जो उदाहरण आते हैं उन उदाहरणों के पीछे का भाव यह है गांधी जी के मन में तथाकथित पाश्चात्य जगत के तथाकथित अपने आप को सभ्य कहने वाले ये लोग सच में क्या है, ये प्रश्न है। क्यों दुर्व्यवहार तो सब जगह होता है उनके साथ, चाहे होटल है चाहे पोर्ट है चाहे कोर्ट है मार्केट है, वो स्थान कोई सा है स्थान बदलता है, लेकिन गांधी जी के साथ ही ये दुर्व्यवहार है ऐसा नहीं है। ये दुर्व्यवहार सभी लोगों के साथ हो रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न उनके मन में खड़ा हो जाता है कि भारतीय लोग या तथाकथित ब्लैक लोग अश्वेत लोग इनके साथ ये श्वेत वर्णीय लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्या ये वास्तव में सभ्य है? एक दूसरा प्रश्न और जो गांधी जी के मन में खड़ा हो गया,
क्योंकि जिस कंपनी के लिए काम करने के लिए गए हैं उस कंपनी में एक ईसाई व्यक्ति भी काम करता है, उसका नाम है A.W. Baker। वो धीरे धीरे गांधी जी को प्रार्थना सभा में बुलाता है, गांधी जी जाते हैं संडे प्रेयर्स में जाते हैं, और धीरे धीरे कहता है अरे आप क्रिश्चियन बन जाइए, क्रिश्चियन बन जाइए। तो गांधी जी को लगता है ये मेरे को क्रिश्चियन बनने को क्यों बोलता है बार बार, मैं तो किसी को नहीं बोलता, भारत में हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा तो नहीं बोलता है, ये क्यों बोलता है मेरे को क्रिश्चियन हो जाओ क्रिश्चियन हो जाओ। तो वो क्रिश्चियनिटी को पढ़ना शुरू करते, अनेक ग्रंथ पढ़ते, जो तथाकथित विद्वान लोग हैं उनसे भी वार्ता करते, अपनी शंका को पूछते, हिंदू धर्म के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। तो हिंदू धर्म के बारे में जो जो लोग उनको बता सकते हैं उनसे चर्चा करते हैं और हिंदू ग्रंथ भी पढ़ते हैं। यहां से दूसरा एक आयाम प्रारंभ हो जाता है। एक और तो था ये पश्चिमी जगत के ये श्वेत वर्णीय लोग अश्वेतों को घृणा या भेदभाव क्यों करते, और दूसरा एक प्रश्न खड़ा हो गया ये मेरे हिंदू धर्म को क्यों बदलना चाहते, ऐसा तो भारत में कभी नहीं होता। कुछ मुसलमान भी मिल गए वो भी चाहते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ दें। इसके बाद गांधी जी जो है वो धीरे धीरे हिंदू धर्म के ग्रंथों का गहन अध्ययन करते, ईसाइयत का भी करते, इस्लाम का भी करते, ज्यूज के बारे में पढ़ते, और आश्चर्य की बात है वे स्वयं लिखते हैं स्थान स्थान पर, इसका उल्लेख बजाज साहब ने किया है कि मैं जो जो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ता गया त्यों तो मेरी आस्था हिंदू धर्म के बारे में गहरी होती चली गई, मेरे को मालूम पड़ा वास्तव में हिंदू धर्म क्या है। अब तक तो मैं ऊपर ऊपर से जो हिंदू धर्म के कहानी किस्से व्रत उपवास त्योहार इन सबको तो मैं जानता था, फिर गीता का अध्ययन करते, वे उपनिषदों का अध्ययन करते, जैन धर्म का अध्ययन करते, फिर चर्चा वार्ता करते करते उनको ध्यान में आने लगा कि हिंदू धर्म ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धर्म तो है, श्रेष्ठ विचार तो है, और सबको समाहित कर सकता है अपने अंदर, इसलिए मेरे को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं हिंदू धर्म में रहते रहते अच्छे ईसाई लोगों का सम्मान भी कर सकता हूँ, इस्लाम के मानने वाले लोगों का भी सम्मान कर सकता हूँ, और वहां से अच्छी बातें ले भी सकता हूँ। ये स्थिति उनकी अफ्रीका में बन रही है। ऐसे प्रसंग पर वे फिर भारत में आते हैं 1896 में। तो भारत में आकर के उस समय के जो हमारे श्रेष्ठ नेता लोग हैं भारत में नेतृत्व कर रहे हैं, सूर्यनाथ बनर्जी है, फिरोजशाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले है, लोकमान्य तिलक है, सबके साथ वार्ता करते हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं, और स्थान स्थान पर जाकर के वे अपने व्याख्यान में बताते हैं कि अफ्रीका में ये हमारे जो ब्रिटिशर्स लोग हैं अंग्रेज लोग हैं हमारे साथ कितना खराब व्यवहार करते हैं, वे हमको मनुष्य मानने को भी तैयार नहीं है, हमारे धर्म के बारे में, हमारे रंग के बारे में, हमारे देश के बारे में हमको नागरिक मानने को भी तैयार नहीं लोग, क्या कारण है। ऐसे सब बड़े नेताओं के साथ वार्तालाप और वहां जो हो रहा है भेदभाव ये सब चलता है, इनके साथ परामर्श करने के साथ साथ वे ये भी पूछते हैं अफ्रीका में क्या करना चाहिए, क्या उन्होंने बताया होगा इसका चर्चा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने डिस्कशन विचार विमर्श पूरा किया। लेकिन अब गांधी जी के मन में उन प्रश्नों का उत्तर है, अब उत्तर के साथ गांधी जी सामने खड़े होते हैं और कहते हैं हुई सिविलाइज, आखिर सभ्य है कौन और सभ्यता की परिभाषा क्या होगी। गांधी जी मुखर हो जाते हैं, गांधी जब लेख लिखते हैं पाश्चात्य जगत के तथा कथित सभ्य लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, जिसके घर में बड़ा सुंदर डाइनिंग हॉल है, बड़ी अच्छी सुंदर मेज है, मेज पर महंगा कपड़ा और बिछा है, अच्छे सुंदर फानूस लटके हैं, वो सिविलाइज है क्या। जिसके घर में शराब की बोतल है, पोर्क और बीफ रखा है, अच्छे बर्तन रखे हैं, अच्छे पर्दे लगे हैं, वो सिविलाइज है क्या। सिविलाइज होने का मापदंड क्या है,
और आप हमको अनसिविलाइज या सेमी बारबेरिक कहते हैं, इसका आधार क्या है? जो शराब का उपयोग नहीं करते, महंगी छड़ी नहीं रखते, तंबाकू का उपयोग नहीं करते, वे सब बारबेरिक और सेमी सिविलाइज लोग हैं, सेमी बारबेरिक लोग हैं वे लोग। ये तुम्हारी जो जो जो, जो सभ्यता को मापने का जो मापदंड है वो क्या है आखिर? ये बड़ा गंभीर प्रश्न गांधी जी ने विश्व परिदृश्य में रख दिया, हुई सिविलाइज एंड हुई सिविलाइज नॉट। आखिर दुनिया में ये सभ्यता की परिभाषा क्या होगी? ये महंगे वस्त्र या महंगे सामान रखना या साज सामान इकट्ठा कर लेना, ये सभ्यता है क्या? बड़ा भारी प्रश्न है। और गांधी जी ने जो प्रश्न रखा है उस समय अफ्रीका के भिन्न भिन्न लेखों में, जिसका उल्लेख बजाज साहब ने अपने ग्रंथ में किया है, वो प्रश्न आज भी शाश्वत है, आज भी शाश्वत है। आखिर सिविलाइज कौन है? और इसलिए मेरे को एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। हरवंश ओबेरॉय जी अपने बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, और एक उनका मित्र था जो अमेरिका में रहता था तो भारतीय। वो जब कभी हरवंश राय जी को मिलता था, अरे क्या भारत में है गंदे लोग, क्या भारत में है ऐसे अव्यवस्थित लोग, ऐसा भारत के लोगों के बारे में बहुत टीका टिप्पणी करता था। कुछ दिनों के लिए हरवंश ओबेरॉय जी और वो मित्र दोनों कलकत्ता में थे, एक लाइब्रेरी में जाते थे, सुबह से लेकर सायंकाल तक जाते थे, और सायंकाल लौटते थे, तब लौटते हुए रास्ते में किसी होटल पर खाना खा लेते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो देर हो गई, रात को 11-12 बज गया। जब वापस आते हैं तो खाने का कोई होटल खुला नहीं मिलता, सब होटल बंद हो गए। एक देखा चाय वाले की दुकान पर अंदर कुछ लोग खाना बना रहे हैं, खाना तो बन रहा है, तो इन्होंने बाहर से पूछा, क्यों भाई खाना मिलेगा क्या? तो अंदर से अब कहा, हाँ बाबू मिलेगा, आइए अंदर आ जाइए। अंदर आकर के बैठ गए, कुर्सी मेज तो पड़ा है, चाय की दुकान है। और तुरंत एक 2 मिनट के अंदर 2 थाली लग करके भोजन आ गया, दोनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद हरवंश ओबेरॉय उसको पूछते, कितना पैसा हुआ? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नहीं बाबू ये होटल नहीं है। अरे आपने हमको खाना खिलाया। अरे खाना तो खिलाया आपने, मांगा हमने खाना खिलाया आपको, ये होटल नहीं है बाबू जी, हम खाना बना रहे थे अपने लिए। आपने कहा भोजन है क्या? हमने कहा है। ऐसे दरवाजे पर कोई भोजन के लिए कहेगा तो हमारा तो सौभाग्य है, इसका पैसा नहीं लेंगे हम। हमारा सौभाग्य था आपने हमारे यहाँ भोजन किया, बाबू एक खाना पैसा नहीं, पैसा नहीं लिया। अब दोनों बाहर आ गए। अब वो जो अमेरिका वाला मित्र है वो कहता है, अरे ऊपर से दिख रहे मत, अंदर से तो बड़ा भारी दिल है इनका। भारत ऊपर से दिखने में कैसा है, कपड़ा कैसा पहनता है, मकान कैसा है, डाइनिंग टेबल है या नहीं है, वो सोने की छड़ी है या नहीं, घड़ी का चेन कैसा है, घड़ी का कीमत कैसा है, ये क्या इससे मनुष्य की गहराई निश्चित होगी? तो गांधी जी ने एक शाश्वत प्रश्न विश्व परिदृश्य में रखा है कि सभ्य कौन, जिसके पास भौतिक समृद्धि किसी भी प्रकार से दूसरे देशों को समाज को लूट करके लाई गई है, वो अपने आप को सभ्य कहते हैं, उनको लज्जा नहीं आती? ये प्रश्न है। किसी भी प्रकार से रीति से अनीति से एकत्रित की गई संपदा और उसका भौणा वैभव प्रदर्शन या सभ्यता की मापदंड ये कभी नहीं हो सकता। गांधी जी ने इस शाश्वत प्रश्न का उत्तर अपने लेखों में वहां दिया है। यह हिंदुत्व का प्रदर्शन है। हिंदुत्व ने सदा यह कहा है, यह भौतिक संपदा मनुष्य की गहराई का मापन नहीं हो सकता। यह भौतिक संपदा बहुत सामान्य चीज है, हाँ जितना आवश्यक है उतना ठीक है। यह हिंदुत्व का ही दर्शन है दुनिया में, यह बताता है मनुष्य की गहराई यह अन्य बात है, मनुष्य का चरित्र, उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी करुणा, प्रेम और दया, ये बिंदु ऐसे हैं जो मनुष्य को सभ्य या असभ्य बनाते हैं, भौतिक संपदा का प्रदर्शन नहीं। एक दूसरा प्रश्न जो उनके सामने आया और उन्होंने कहा, क्या ईसाइयत दुनिया को स्लेवरी में झोंकने के लिए हाँ बोलती है?
और वास्तव में और जब उन्होंने ईसाइयत के अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनको आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े जो विद्वान ईसाई हो गए उन्होंने इस बात को अपने ग्रंथों में लिखा है कि दुनिया में हमको ये अधिकार मिला है, हम दुनिया में जा करके लोगों को गुलाम बना सके, वो अधिकार कर सके, कब्जा कर सके। बजाज साहब ने ऐसे कई कोटेशन अपने उस पुस्तक में दिए हैं। गांधी जी फिर प्रश्न करते हैं क्या यह सभ्यता है? आप भोले भाले लोगों को गुलाम बनाते हैं और गुलाम बनाने का अधिकार आपके पास है ऐसा बताते भी हैं, और ऐसा बताते हुए आपको लज्जा भी नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? ये निकृष्टता है। मेरा हिंदू धर्म किसी को स्लेव बनाने की अनुमति नहीं देता। मेरे हिंदू धर्म का हजारों वर्ष का इतिहास ये बताता है, भारत के हिंदू धर्म के मानने वालों ने कभी भी किसी भी समाज को जाकर के गुलाम बनाया या उसको लूटा ऐसा उदाहरण नहीं है। और इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है, आखिर ये जो आप अपने आप को सभ्य बता रहे हैं और एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, आप अपने आप को सभ्य बता रहे हैं और एक दूसरे के प्रति निकृष्ट व्यवहार करते हैं, इसकी जड़ कहां है? गांधी ये प्रश्न पूछते हैं, आखिर आपका जो ऐसा व्यवहार हुआ उसका कारण क्या है? ऐसा व्यवहार करने की प्रेरणा इंस्पिरेशन आपको मिलता कहां से है? यह प्रश्न गांधी जी का फिर से शाश्वत प्रश्न है। जब वहां के लोगों ने कहा हम सिविलाइज्ड हैं क्योंकि हम चुनाव करते हैं, देखिए हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एक इवॉल्व हो रहा है, तो गांधी फिर कहते हैं जो एंग्लो सैक्सन रेसेस है आज चुनाव में सामने आए हैं, हमारा इतिहास देखो आप, गांधी ने अपने लेखों में वहां लिखा, आप भारत का इतिहास देखिए और भारत के उस इतिहास को ही देख लीजिए जिस इतिहास को अंग्रेजों ने लिखा है। और ऐसे कई अंग्रेज विद्वानों का वे नाम जिक्र करते हैं, चाहे वो मैक्स मूलर है, चाहे मुनरो है, चाहे मैने हैं, इन सब का नाम उल्लेख करके कहते हैं इन लोगों ने जो भारत का इतिहास लिखा है वो देखिए, भारत में गणराज्य कब थे, वैशाली का गणराज्य, अंधक गणराज्य ये कब था, मगध का गणराज्य, वृष्णी गणराज्य ये कब थे, ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत में चुनाव था। गांधी जी लिखते हैं ये चुनाव भारत के लिए नई चीज नहीं है, 7770 ये प्रतिनिधि वैशाली के गणराज्य में थे आज से 2500 वर्ष पूर्व, और वे जो प्रतिनिधि थे ये गांव गांव से आते थे और सर्वसम्मति से आते थे, माइनॉरिटी और मेजोरिटी के आधार पर नहीं आते थे। और इसलिए आज जो आप चुनाव की बात कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव की बात कह रहे हैं, ये हम हजारों साल पहले देख चुके हैं और भारत इन बातों को कर चुका है। गांधी जी मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बारे में भी कहते हैं, ये मेजोरिटी का निर्णय है, ये माइनॉरिटी का निर्णय है। गांधी जी कहते हैं मेजोरिटी भी अधर्म नहीं कर सकती, अगर धर्म की बात है वो अल्पसंख्यक लोग है, वो छोटे संख्या में लोग है, वो कम हो सकते हैं, लेकिन अगर धर्म की बात कहते हैं उनकी बात सच है, वो कम संख्या में कही जाने वाली बात भी यदि सत्य है तो उसका सम्मान होना चाहिए। गांधी आगे कहते हैं राजा भी सब कुछ नहीं कर सकता, राजा को भी धर्म का ही पालन करना चाहिए, जो जनता का लोकमंगल कार्य है और जनता की जो लोकमंगलकारी भावना है राजा वो ही करे। गांधी ने एक उदाहरण दिया काठियावाड़ के एक राजा का, जो बजाज साहब ने उदाहरण को अपनी पुस्तक में दिया है। काठियावाड़ के राजा ने एक दिन राजाज्ञा जारी की, जनता में थोड़ा विरोध हुआ, काठियावाड़ के राजा ने उस राजाज्ञा को वापस लिया और वापस ही नहीं लिया बल्कि क्षमा मांगी। गांधी ने कहा हमारे यहां यह व्यवस्था थी, राजा भी धर्म का पालन करे, प्रजा भी धर्म का पालन करे, इस धर्म और न्याय के पालन करते करते राज्य व्यवस्थाएं चले। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग अफ्रीका में किया है वो भारत का एक सनातन प्रयोग है, भारत ने समय समय पर कई प्रकार के प्रयोग किए हैं, सत्याग्रह भी एक है उसमें से।
भगवान बुद्ध इस सत्याग्रह के प्रयोग के एक तरह से कीर्ति स्तंभ जैसे हैं, लेकिन सत्याग्रह का प्रयोग करते करते जो सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं उनको अपने जीवन में शुचिता चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग वही कर सकता है जो सत्यनिष्ठ है, जो प्रामाणिक है। और जब गांधी स्वयं सत्यनिष्ठ और प्रामाणिक हो जाते हैं, वे लिखते हैं, मैं अब धीरे धीरे अपरिग्रही हो रहा हूं, धीरे धीरे अपनी आवश्यकताएं कम कर रहे, अपने वस्त्र कम कर रहे, अपना भोजन कम कर रहे, अपने पास की संपदा को हटा रहे। अगर मैं संचय करने वाला हो जाऊं तो क्या सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी अपने जीवन में वो बुद्ध के सिद्धांतों को ले आते, धीरे धीरे सत्य के प्रति निष्ठा उनकी गहरी होती जाती है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तब सत्याग्रह के लिए निकलते हैं। वे स्वयं उपवास करते हैं, भोजन कम करते चले जाते हैं। अफ्रीका में उन्होंने यह प्रयोग किया है, शक्तिशाली जो सरकारें हैं उनके विरोध में कुछ हजार लोग हैं उनके पास, कुल मिलाकर के अफ्रीका में एक 15-20 हजार लोग हैं बस। इन 15-20 हजार लोगों के ऊपर एक सर्वशक्तिशाली सत्ता के खिलाफ एक संघर्ष लड़ना है उनको। तो कितना भी शासन अत्याचार करता है वे क्रोधित नहीं होते, गुस्से में नहीं आते, अपशब्द नहीं निकालते। और एक प्रसंग तो ऐसा आ गया जब गांधी जी को सश्रम कारावास मिल गया अफ्रीका में, और सड़क पर पत्थर डालने का काम है इस बैरिस्टर को मिल गया। वो सिर पर टोकरी रख करके पत्थर ले जाते हैं, सड़क पर डालते हैं। ये दुख की बात थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक बैरिस्टर को ठीक है आप कारावास दिए, लेकिन सश्रम कारावास देना, वो उनकी पतली दुली काया थी। 30-40 किलो वजन में सिर पर लेकर के दूर जा करके पत्थर मिट्टी डालने का काम उन्होंने किया, वो गुस्सा नहीं आया। अपने हल्के कमजोर शरीर के बावजूद भी वो संयम नहीं तोड़ते। ये संयम न तोड़ना, अक्रोधी स्वभाव रखना, सत्य निष्ठा का पालन करना, अपरिग्रही हो जाना, ये कुछ नहीं, केवल धार्मिक भाव वाला व्यक्ति ही इस मार्ग पर चलता है। और गांधी जी इस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे जो युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ते समय उनको ध्यान में है, मेरा युद्ध अंग्रेजों से नहीं है, मेरा युद्ध अंग्रेजों के इस स्वभाव से है, मेरा युद्ध अंग्रेजों की इन नीतियों से है। और इसलिए उनकी वार्ता अच्छी होती है, मित्रता के साथ वार्ता होती है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने जो कहा, ये निर्वैर युद्ध है। गांधी जी ने किसी को बैरी या शत्रु माना ही नहीं है, संघर्ष है लेकिन शत्रुता नहीं है। जो बुद्ध ने कहा, नहीं वैरे न वैरानी संबंति का कुदाचनम, उसका इस युग में बुद्ध के 2500 वर्ष बाद गांधी जी प्रदर्शन करते, सफलता के साथ इसको प्रस्तुत करते हैं। और धीरे 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 क्यों न हो अफ्रीका में कुछ मामलों में उनको सफलता मिली, और वहां का जो सर्वशक्तिशाली निरंकुश शासन था अंततोगत्वा झुक गया। गांधी जी धर्म के प्रकाश में व्यवस्थाओं की नई नई व्याख्या करते हैं जो भारत की सनातन परंपरा में है। गांधी जी पूछते हैं, देखो भाई भारत में न्याय था, हर गांव में न्याय था, लेकिन वकील नहीं थे। आज के तरह कोर्ट कचहरी नहीं थी, न्याय सबको था, ये वकील की आवश्यकता क्या हमको बताइए। एक बड़ा प्रश्न है, शाश्वत प्रश्न है। अगर समाज में सच में धर्म की आस्था है, समाज में सत्य निष्ठा है, वकील की क्या आवश्यकता है। हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी पंच परमेश्वर प्रेमचंद की, उसमें वो चौधरी है और जुम्मन है, हम सब ने पढ़ी होगी कहानी। लेकिन जब जो वो परमेश्वर के स्थान पर बैठता है, पंच के स्थान पर बैठता है, वो न्याय करता है, वो मित्रता नहीं निभाता। प्रेमचंद ने इस धार्मिक भाव को अपनी कहानी में रखा है।
वो चाहे जुम्मन था चाहे जुम्मन का दोस्त था, दोनों ने निर्णय किए अपने अपने मित्र के विपरीत के निर्णय। जब जनता के अंदर धर्म का भाव प्रबल हो जाता है, न्याय अपने आप सरल और सुगम हो जाता है, ऐसे में वकील की आवश्यकता नहीं होती। और इसलिए धार्मिक भाव वाला व्यक्ति जो है ये किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, धार्मिक भाव वाला व्यक्ति किसी को लूटने नहीं जाएगा, धार्मिक भाव वाला व्यक्ति किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करेगा, धार्मिक भाव वाला व्यक्ति किसी का मतांतरण भी नहीं करेगा, धार्मिक भाव वाला व्यक्ति किसी के प्रति अन्याय भी नहीं करेगा, न्याय ही करेगा। गांधी जी का धर्म ये शाश्वत सनातन धर्म है। और जब गांधी जी को हम व्यापकता में हम देखते हैं और एक 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 मुद्दे का हम विश्लेषण करते हैं तो गांधी जी को पाते हैं वे सत्यनिष्ठ है, वे करुणावान भी हैं, वे परम आस्तिक हैं, क्षमावान भी हैं, वे अपरिग्रही हैं लेकिन मितव्ययी भी हैं, सभी के साथ सामंजस्य और समन्वय बिठाने का लगातार प्रयत्न करते हैं और सभी के अंदर कुछ कुछ अच्छा ढूंढने की उनकी प्रवृत्ति है, वे अत्यंत और अनन्य सेवाभावी है। ये सारे गुण जो धर्म के गुण होंगे गांधी के जीवन में कहीं न कहीं हमको दिखते हैं। और ये धर्म कहीं न कहीं से अब व्याख्या करेंगे तो हिंदू धर्म ही है। जब हम हिंदू धर्म को एक खांचे में फिट करते हैं तो वो नहीं फिट होगा ऐसे आसानी से, जब उसके शाश्वत मूल्यों को देखेंगे तो प्रकट हो जाएगा। और गांधी की सत्यनिष्ठा कैसी है जो जो बेजोड़ है। चोरी चोरा का केस हम जानते हैं, जब आंदोलन पर हिंसा हो गई बढ़ गई और गांधी जी के खिलाफ मुकदमा लगा और कोर्ट में वे प्रस्तुत हुए और जज ने पूछा आपके ऊपर जो आरोप है आपके कारण से हिंसा फैली है देश में, आपके कारण से ये लोग मरे हैं, आपके कारण से ये संपत्तियों को हानि हुई है, क्या कहना है आपका। गांधी ने कहा जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मैं मानता हूं मेरे कारण से हिंसा हुई है, मैं स्वीकार करता हूं मेरे कारण से लोगों की हत्या हुई है, संपत्तियों को नुकसान हुआ है, इसका इसका जिम्मा मेरा है, मैं स्वीकार करता हूं। और मैं कहता हूं आपसे आप इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मुझको दीजिए, मैं तैयार हूं। ऐसा उदाहरण विश्व परिदृश्य में मिलना आसान नहीं होता। आदमी अपने आप को डिफेंड करता है, गांधी ने डिफेंड नहीं किया, गांधी ने एक्सेप्ट किया, गांधी ने स्वीकार किया, हाँ मैं मानता हूं मैंने आह्वान किया था आंदोलन का, मेरे आंदोलन के आह्वान के कारण से लोग सड़क पर आए, मेरे कारण से हिंसा हुई, मेरे कारण से लोग मारे गए, सबकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं मानता हूं और मैं इसे बचना नहीं चाहता, अधिक से अधिक सजा जो हो सकती है उसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप दीजिए। दुनिया में पहली बार शायद ऐसा प्रसंग रहा होगा, न्यायाधीश भी आश्चर्यचकित था, ये अच्छा अभियुक्त आया है, ये सजा मांगता है, ये ऐसा अभियुक्त आया है, सारे आरोप उसने अपने आप मान लिए, ये आरोप को ना नहीं करता, ये है धर्म का लक्षण। जो सत्य कहा है दस दस, दस लक्षणों में ऐसा लक्षण धर्म का, वे अपने ऊपर कम से कम खर्च करना चाहते हैं, आधी धोती पहनते आधी धोती ऊपर लपेटते, लोग हाफ नेकेड फकीर कहेंगे कहने दो ना, वे कमजोर हैं तो डॉक्टर सलाह देता है थोड़ा इनकी खुराक बढ़ाओ, 8 खजूर खाते हैं, वल्लभ भाई पटेल कहते हैं बापू थोड़ा थोड़ा 2 खजूर और बढ़ा देते हैं, तो वे 2 खजूर बढ़ा करके रख देते हैं। प्रातःकाल देखा तो 8 खजूर के बजाय 6 ही खाते हैं, 2 और कम कर दिए, क्या बापू ये क्या किया आपने, हम तो सोचे 2 ज्यादा खाएंगे आप 2 और कम कर दिए। गांधी जी कहते हैं कि 8 में मेरा काम चल जाता है, मैं सोच रहा था 6 खा के चलेगा क्या। ये अपरिग्रही, ये है मितव्ययी, कितना कम से कम मेरे लिए, जो तेन चक तेन भुंजी था का हमारा दर्शन है उसको वे बोलते नहीं, वे जीते हैं अपने जीवन में। इस हिंदुत्व को उन्होंने गहराई से उतारने का प्रयत्न किया है और हिंदुत्व के जो सनातन मूल्य हैं, हिंदू दर्शन का जो सनातन संदेश है, उस संदेश को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है।
और इसलिए जब हिंदुत्व को कुछ कर्म कांड से बांध देते हैं तब समस्या खड़ी हो जाती है। जब हिंदुत्व को उसके हम व्यापक दर्शन में देखते हैं तब ध्यान में आता है कि महात्मा गांधी इस महान हिंदू दर्शन के इस युग के बड़े पुरोधा है। उनके जीवन में धर्म एक शाश्वत रूप लेकर के हमको खड़ा दिखता है। परिस्थितियां भिन्न होती हैं कई बार, और आदमी अपनी अपनी इच्छा के अनुकूल उस महान व्यक्ति के अंदर कुछ देखना चाहता है, जो नहीं मिलता है तो निराश होता है, उसको दुख होता है, गुस्सा भी आती है। लेकिन जो पक्ष बजाज साहब ने रखा है कि उनके अंदर जो कुछ भी श्रेष्ठ भाव दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का ही दर्शन है। मैं उस पुस्तक के बारे में यही कहूँगा कि मोटा ग्रंथ जरूर है, पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक नई प्रकार की व्याख्या है जो विश्व स्तर पर अच्छे प्रकार से रखी जानी चाहिए, और इसके कारण से लोग हिंदुत्व को भी समझेंगे और गांधी जी को भी समझेंगे, क्योंकि बिना हिंदुत्व के समझे गांधी जी को समझना कठिन है, और गांधी जी को जब गहराई से समझेंगे तो ध्यान में आएगा वे हिंदुत्व को ही जीते हैं। ये सारे विषय को बहुत अच्छे प्रकार से बजाज साहब ने रखा, उनके मित्रों ने रखा, समय सहायता करी, प्रकाशक महोदय ने प्रकाशित किया, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने ध्यान से धैर्य से सुना, मैं आप सभी को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।